किरोड़ी लाल मीणा सियासी संकट में हैं। लोकसभा चुनाव में किरोड़ी को बीजेपी एक टिकट को तरसा रही है। बीजेपी अब किरोड़ी के बजाय ओम प्रकाश हुड्डा जैसे नेता रास आने लगे हैं। संकट में सियासी सूरमा, संकट में किरोड़ी लाल की सियासत, किरोड़ी लाल को घेरने की तैयारी। दौसा में किरोड़ी को साइडलाइन कर रही बीजेपी। सियासत के सूरमा कह जाने वाले और मीणा समाज के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों खफा नजर आ रहे हैं। इसकी वजह बीजेपी में उनकी अनदेखी बताई जा रही है। किरोड़ी लाल जोश खरोश के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरोड़ी लाल मीणा का रसूख बीजेपी में कम होता गया। विधानसभा के बाहर ये नजारा देखिए, कैसे किरोड़ी लाल और ओम प्रकाश हुड्डा के बीच नोकझोंक हुई थी। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा की अदावत किसी से छिपी नहीं है। पिछले 6 साल से दोनों के बीच की सियासी जंग एक बार फिर दौसा लोकसभा के टिकट तक पहुँच गयी है। विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल का एक भी चहेता जीत कर विधानसभा नहीं पहुँचा तो विरोधियों को मौका मिल गया। उनके धुर विरोधी ओम प्रकाश हुड्डा किरोड़ी की लाख कोशिश के बावजूद महुआ से निर्दलीय चुनाव जीत गए। किरोड़ी की पत्नी गोलमा भी चुनाव हार बैठी। बड़े नेताओं ने किरोड़ी को घेरने के लिए लोकसभा चुनाव में साइडलाइन करने का प्लान दिया। उनके विरोधी ओम प्रकाश हुड्डा को भाजपा में लाने की तैयारियां शुरू हो गई। वसुंधरा राजे का खेमा राम किशोर मीणा के लिए टिकट चाहता है, तो जस कौर मीणा की पैरवी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कर रहे हैं। किरोड़ी लाल की पत्नी गोलमा देवी दौसा से टिकट के लिए दावा ठोक रही है। तो अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ बचाव ही पहले तो मोगु एमएलए को दे दिए ने, अब लोकसभा को लड़ बचाव चाहे तो मोगु दो चाहे मेरे पति को दो चाहे मेरे देवर को दो, तीनों को लोकसभा का दौसा जिला से देना पड़ेगा। देखो ये अब वो तो देखो समाज नाराज होएगा, नहीं टिकट नहीं दिया तो समाज नाराज होएगा, तो आप पार्टी को पार्टी पे फर्क पड़ेगा ना आप। किरोड़ी लाल मीणा समाज के बड़े सरदार हैं, 5 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं। सवाई माधोपुर और दौसा से किरोड़ी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। महवा, सवाई माधोपुर, बामनवास, टोडा भीम, लालसोट से एमएलए बने। 2003 से 2008 की वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। किरोड़ी लाल की सियासी प्रोफाइल ही उनकी ताकत है, मगर उनका दबंग अंदाज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये विडंबना ही है कि विधानसभा चुनाव में 1.5 दर्जन टिकट बांटने वाले किरोड़ी लाल आज 1 अदद टिकट को तरस रहे हैं, लेकिन मीणाओं का ये सबसे बड़ा नेता चुपके चुपके अपने दमखम का पार्टी को एहसास कराने में जुटा है। बीजेपी में किरोड़ी और उनके विरोधियों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है, और किरोड़ी को सबक सिखाने का उनके विरोधी ये बेहतरीन मौका मान रहे हैं। अगर किरोड़ी को नजरअंदाज किया गया और कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।